को समझिए कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है इसमें कि निम्न संख्या का लॉस और भाग विधि से बनाना है, यानी कि लघुत्तम बनाना है लेकिन भाग विधि से बनाना है। बात समझ गए ना, जैसे आप भाग बनाते हैं वैसे बनाना है, लेकिन आंसर जो आएगा वो लघुत्तम का होना चाहिए। तो कैसे बनेगा तो ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। सबसे पहले हम पहला सवाल को देखेंगे। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि 18 है और 28 है, हमको इसका क्या निकालना है, लघुत्तम लॉस और एलसीएम निकालना है। ठीक है, और वो भी कैसे निकालना है, भाग विधि से। तो चलिए, भाग विधि से निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे लिख लेना है और इस पर एक ऐसे लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भाग लगाना है। आपको सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, जैसे कि कुछ कॉमन संख्या समझ लीजिए। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, ठीक है ना, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो समझ जाइए कि उसमें 2 से भाग लगेगा। देखिए, जैसे कि किसी संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो समझिए इसमें कैसे भाग लगेगा, 2 से लगेगा। ठीक है, जैसे कि 0 है, 5 है, तो इसमें 5 से भाग लगेगा, है ना, ऐसे करके। तो इसमें देखिए लास्ट में 8 है, 8 है, तो इसमें कैसे भाग लगेगा, 2 से लगेगा। और लघुत्तम का सबसे पहला नियम ये होता है कि जिस भी नंबर से भाग कीजिए, सबसे पहले छोटा से ट्राई कीजिए, जिससे भी भाग कीजिए, लेकिन दोनों में लगना चाहिए। अगर सिर्फ एक में लगेगा तो हम नहीं लगाएंगे, हमारा भाग दोनों संख्या में लगनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए, 2 से करते हैं 18 में, तो क्या हो जाएगा, 2 × 18 28 का हो जाएगा, 14 × 28। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 14 है, अब हमको देखना है कि 9 और 14 किसके पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 के पहाड़ा में 14 आएगा लेकिन 9 नहीं आएगा, और 3 के पहाड़ा में 9 आएगा लेकिन 14 नहीं आएगा। यानी कि कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप 9 में भी भाग कर सकते हैं और 14 में भी भाग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि हम पहले ही कहे हैं कि दोनों में लगना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों में तो लग नहीं रहा है, किसी नंबर से एक में लग रहा है, तो हमारा एलसीएम यहीं पे खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो करना क्या है लास्ट में, कि इस नीचे वाले सभी नंबर को आपस में गुना कर देना है, जैसे कि 2 से 9 को और फिर 14 को। बात समझ में आया, चलिए अब इस सब को गुना करके लिख दीजिए, 9 × 18, 18 को 14 से गुना कर देंगे तो 18 × 36, 38 × 18, 74 के 2 हासिल 7, 18 × 18 = 7, 18 × 2 = 20, 5 = 25, 252 हो गया हमारा आंसर। समझ गए, चलिए ये पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से ये दोनों है, दो दो नंबर का तो आप बना लीजिएगा। एक हम 3 नंबर का अब आपको बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। अब चौथा नंबर देखिए, इसमें 12, 36 और 48 है, 3 नंबर है, 12 है, 36 है और 48 है। अब 12, 36, 48 है तो इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए। इसमें भी सेम कंडीशन है, जिस भी नंबर से भाग लगाएंगे कम से कम 2 गो में लगना चाहिए, 3 गो नंबर है ना, तो जरूरी नहीं कि तीनों में लगे, कम से कम 2 नंबर में लगे भाग तो ही लगाएंगे। तो यहाँ देखिए लास्ट में 2 है, 6 है, 8 है, मतलब कि इसमें 2 से भाग लगेगा। चलिए तो लगा देते हैं, 2 से 2 × 6 = 12, 18 × 36 और 24 × 48, इसमें फिर 2 से लगेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 18 = 18, 12 × 24। अब देखिए यहाँ पे 3, 9, 12 आ गया, तो 2 से तो नहीं लगेगा, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 12 आएगा, तो अकेला आ रहा है इसलिए हम इसमें भाग नहीं करेंगे। अब हम 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 के पहाड़ा में 3 तो आवे करेगा, 9 भी आएगा और 12 भी आएगा। तो चलिए करते हैं, 3 × 3, 3 × 3 = 9, इसको ऐसे घेरना भूल गए, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। अब 1 है, 3 है, 4 है, अब क्या चीज़ के पहाड़ा में ये संख्याएँ आएंगी, कोई चीज के पहाड़ा में नहीं आएंगी। बस हमारा एलसीएम हो गया खत्म। अब हमको क्या करना है, सभी नंबर को आपस में गुना कर देना है, 2 × 2 × 3 × 1 है, तो 1 को छोड़ दीजिए, 3 × 4, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही होगा, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 × 48, 48 × 4 = 32 के 2 हासिल 3 और 4 × 16 = 3, 17 × 18 = 19, 192
हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया। तो इसी तरीके से किसी भी संख्या को आप भाग विधि से लघुत्तम बना सकते हैं। अब देखिए किसी किसी में चार गो नंबर है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चार नंबर है, दस नंबर है, बीस नंबर है, सब में कंडीशन आपको याद रखना है कि कम से कम दो गो में भाग लगनी चाहिए। चलिए एगो हम आपको चार नंबर, दो चार इसमें पांच गो है ना, पांच नंबर वाला संख्या बता देते हैं, क्या क्लियर हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। चलिए ये वाला सातवां नंबर देखिए, छ पंद्रह अठारह तीस छत्तीस, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम किससे भाग लगाएंगे, छोटा नंबर है दो, क्योंकि आठ भी है, जीरो भी है, छः भी है, छः भी है, तो बहुत सारा नंबर है जिसमें दो से लग रहा है, तो लगाएंगे दो से छः में लगेगा द्वितीयाई छः, पंद्रह में लगेगा नहीं लगेगा, तो पंद्रह का पंद्रह, अठारह में लगेगा दो नंबर अठारह, तीस में लगेगा पंद्रह दूनी तीस, छत्तीस में लगेगा अठारह दूनी छत्तीस। चलिए दो का, अब दो से लगा दिए बात खत्म, अब इसमें देखिए दो से लगेगा, दो से सिर्फ अठारह में लगेगा, बाकी किसी भी नंबर में नहीं लग रहा है, तो किस नंबर से लगाएंगे, थ्री से लगाएंगे, तीन एकम तीन, तीन पचे पंद्रह, तीन तिहाई नौ, तीन पचे पंद्रह, तीन छक अठारह, ठीक है। अभी फिर देखिए यहाँ एक है, पांच है, तीन है, पांच है, छह है, तो तीन से तो तीन में और छह में दो गो में लग रहा है ना, तो फिर तीन से ही लगाएंगे, तीन एक के एक, पांच का पांच, तीन एकम तीन, पांच का पांच, तीन दूनी छ। अब देखिए एक पांच दो है, तो अब इसमें तीन से भी नहीं लग रहा है, तो अब पांच देख रहे हैं कि दो गो है, तो पांच से लगा देंगे डायरेक्ट, एक का एक, पांच एकम पांच, एक पांच एकम पांच, दो का दो, बात खत्म। अब हो गया हमारा एलसीएम खत्म, एक एक आ गया, तो क्या करना है इसमें, अब सभी नंबर को आपस में गुना कर दीजिए, दो तीन तीन पांच, दो गुने तीन गुने तीन गुने पांच गुने, यहाँ एक है तो छोड़ दीजिए एक को, लास्ट में दो है तो इसको ले लीजिए, पांच दुना दस, तिहाई तीस, तीस तिया नब्बे, नब्बे दुना एक सौ अस्सी, हो गया आपका आंसर सिंपल। तो ये हो गया आपका भाग विधि, इस विधि को हम बोलते हैं भाग विधि से लघुत्तम बनाना, ठीक है। इस अभी लघुत्तम के और भी कई सारे ट्रिक्स हैं, पहली संख्या निकालना, दूसरी संख्या निकालना, ठीक है, तो ये सब अगले चैप्टर में, पहले आप इसको 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आइए, घर से बना के लाइए, समझ के आइए, प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, फिर हम कल इससे आगे का लघुत्तम का जो है बात हम लोग करेंगे और आगे सीखेंगे, बात समझ गया, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम।